Hello students, how are you? I am R.K. Jha, Faculty of Mathematics. We have learnt in the earlier class about the number sense, and we have learnt there the Hindu-Arabic place value chart and the international place value chart, predecessor and successor of a number. And today we are going to learn the face value and place value of a number. Okay, so let us learn. Face value of a number is whatever the value of a number यानी फेस वैल्यू जो है किसी नंबर का वो उसका वही वैल्यू होता है जो उस नंबर को हम रीड करते हैं और राइट करते हैं, यानी उसका जो वो एक्चुअल वैल्यू होता है. फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर फाइव, यानी फाइव का फेस वैल्यू फाइव ही होता है. उसी प्रकार फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर थ्री इज थ्री, यानी जो होता है. इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसका वैल्यू जो है प्लेस के अनुसार चेंज नहीं होता है. ये नहीं कि फाइव जो है 100 प्लेस पे है तो इसका फेस वैल्यू 500 हो जाए, वो प्लेस वैल्यू होता है. यहाँ पे फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू 5 ही रहेगा, यानी जो नंबर है उसका फेस वैल्यू उतना ही रहता है. ठीक है. सेकेंड थिंग है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फेस वैल्यू एंड द प्लेस इट लाइज अपॉन. यानी कि प्लेस वैल्यू जो किसी नंबर का होता है वो क्या होता है कि इसका फेस वैल्यू और जिस प्लेस पर ये होता है उनको दोनों को गुना करके जो हमें गुणनफल मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसको हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं उस नंबर का. एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको. ठीक है. एग्जाम्पल टू सेवन फाइव, मान लो कि एक नंबर है, गिवन नंबर इज अ गिवन नंबर. ठीक है. तो यहां पे प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इक्वल टू, तो देखो फाइव का फेस वैल्यू क्या होगा, फाइव ही होगा. और इसका ये किस प्लेस पर है तो हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर काउंटिंग शुरू करते हैं. तो राइट से लेफ्ट कैसे करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड. तो फाइव किस प्लेस पर आता है, वंस. सो इसका फेस वैल्यू कितना है, फाइव का फाइव ही है जैसा अभी हमने बताया है. तो फाइव का फेस वैल्यू फाइव और इसका प्लेस वैल्यू कितना है, वन इक्वल टू क्या आ गया, फाइव. ठीक है. तो फाइव का तो हम देखे कि प्लेस वैल्यू फाइव ही रह गया, फिर चेंज कहां होता है, तो हम दूसरा नंबर लेते हैं सेवन. प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन,
7 इक्वल टू। अब क्या करते हैं कि फिर से पढ़ते हैं इसको, तो पहली बात कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, जो 7 है वही 7 ही इसका फेस वैल्यू होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए फिर से हम लोग नंबर को पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट वंस टेंस। तो 7 किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर। तो यहां पर क्या करेंगे, फेस वैल्यू लिखेंगे 7 और इनटू इसका प्लेस वैल्यू कितना है, टेंस यानी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया 70। इस तरह 7 का प्लेस वैल्यू 70 हो गया। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू, तो 2 का फेस वैल्यू कितना होगा, 2 होगा जो ये नंबर है, तो यहां पे हम फेस वैल्यू लिख लेते हैं 2 इंटू। अब इसका प्लेस वैल्यू के लिए प्लेस चेक करते हैं, वंस टेंस 100, 2 है 100 प्लेस पर, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहां पर क्या आ गया 200। तो इस तरह से ये प्लेस वैल्यू जो है 2 का हमें मिला 200। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व करके क्वेश्चन को और उसके द्वारा हम लर्न करते हैं, सीखते हैं कि कैसे ये हम लोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 37594। इसका हम लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले नंबर लिख लिए सॉल्यूशन, अब एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 37594 इक्वल टू। अब क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट डिजिट को लेंगे, राइट से पढ़ते हुए लेफ्ट मोस्ट, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो क्या करेंगे 3 फेस वैल्यू और इनटू क्या करेंगे इसका 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें ऐड का साइन लगाएंगे प्लस, नेक्स्ट उससे पहले कौन सा नंबर है 7, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये 1000 प्लेस पर है तो यहाँ इसका फेस वैल्यू 7 लिखेंगे और इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है, फिर प्लस का साइन देंगे, नेक्स्ट नंबर है 5 लिखे इंटू वंस टेंस हंड्रेड, ये 100 प्लेस पर है तो यहाँ पे 100 प्लस, फिर 9 इंटू वंस टेंस तो 10 लिख दिए प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 3 है 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000 प्लस फिर 7,000 ऐसे प्लस 500 प्लस 90 प्लस 4, ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग ऑफ नंबर। कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स, तो कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं कि दो रूल्स हैं, पहले उस रूल को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो रूल वन
द नंबर हैविंग द मोर नंबर ऑफ डिजिट्स मोर नंबर ऑफ डिजिट्स आर ग्रेटर ग्रेटर यानी जिस नंबर में डिजिट की संख्या ज्यादा होगा वो हमारा बड़ा होगा बड़ा नंबर होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल 975 ग्रेटर देन 99 बिकॉज इसमें दो डिजिट है इसमें थ्री डिजिट है ये 975 है और ये 99 है ठीक है उसके बाद उसी तरह से 234 ग्रेटर देन 79 ये भी इसमें डिजिट्स तो छोटा है बट इसमें थ्री डिजिट्स है टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें तीन है और इसमें 79 है ये ग्रेटर देन का साइन है यानी इसके लेफ्ट तरफ जो नंबर है वो बड़ा है और राइट साइड छोटा है ठीक है दूसरा एक और रूल है इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम इन बोथ द नंबर देन वी कंपेयर the left most digit if leftmost digits are same also then we compare the next digit and so on तो यहां पर क्या करते हैं कि देखते हैं दो नंबर को अगर उनमें नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है यानी दोनों में पांच पांच डिजिट है या चार चार डिजिट है तब हम लोग उसके सबसे बाएं वाले नंबर को लेफ्ट मोस्ट को जो दोनों का है यानी जो सबसे बड़े प्लेस वैल्यू में रहता है उसको देख कंपेयर करते हैं और अगर वो दोनों भी सेम हो जाता है तब हम लोग उसके नेक्स्ट वाला उसके बाद वाले नंबर को कंपेयर करते हैं तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू जस्ट देखते हैं कैसे होता है तो यहां हम देखते हैं कि दोनों इस नंबर और इस नंबर में दोनों में ही फाइव डिजिट्स है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसका कौन सा है 6 और इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है 7 तो यानी कि इसके लेफ्ट मोस्ट से इसका बड़ा है इसलिए ये नंबर बड़ा होगा इसको 12 का साइन दे देते हैं फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम लोग कंपेयर करते हैं इसका क्या है 4 और इसका क्या है 4 दोनों का 4 है तब तो मुश्किल है फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो डिजिट है लेफ्ट मोस्ट से पहले वाला उसको कंपेयर करते हैं तो इसका 2 है और इसका 3 है दैट मींस कि ये ग्रेटर है तो इस तरह से ये नंबर बड़ा हो गया नेक्स्ट नंबर है 85158 और 85089 इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि 85158 एंड 85089 इसमें कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट 8 है दोनों का उसके बाद वाला 5 दोनों का है
थर्ड डिजिट जो है 100 प्लस वाला वो इसका 0 है और इसका 1 है, इसका मतलब ये ग्रेटर हुआ, इस तरह ये नंबर बड़ा हो जाता है। तो इस तरह हम लोग कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कर लेते हैं, है ना। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। तो ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, वन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और वन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। So, for ascending order or increasing order, we write the smallest number first, यानी सबसे पहले हम लोग smallest number को लिख लेते हैं, सबसे छोटा, कंपेयर करके सबसे जो छोटा नंबर होता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से लिखते हैं। वी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर फर्स्ट एंड देन द लार्जर नंबर एंड सो ऑन, यानी इस तरह से उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लिखते जाते हैं। फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर वी राइट द लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट, यानी सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिख लेते हैं, एंड then the smaller number and so on, यानी सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिख लेते हैं और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है कंपेयरिंग ऑफ नंबर तक कर लोगे और एक होमवर्क ले लो। होमवर्क में आप लोग सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3 कर लोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो भी देखेंगे, जो भी कोई एक्सरसाइज में हमें लगेगा कि क्वेश्चन टफ है, उसको हम लोग सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बता देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ जाएंगे। ओके, थैंक यू।